Welcome to video number 11, Econometrics, a practical approach using Stata and R. Today our lecture is heteroscedasticity and homoscedasticity and homoscedastic corrected standard errors. So, is video mein, what is heteroscedasticity? What are the consequences of heteroscedasticity or homoscedasticity? What are implications for computing standard errors? So, how we define heteroscedasticity? अगर आपका वेरियंस x की वैल्यूज पे डिपेंड नहीं कर रहा हो, मींस आपकी एजुकेशन बढ़े लेकिन जो एवरेज लाइन के राउंड स्प्रेड है वो बहुत ज्यादा ऊपर नीचे नहीं हो, तो इसका मतलब है कि हेट्रोस्कडास्टिसिटी नहीं है, होमोस्कडास्टिसिटी है। अगर मेल और फीमेल्स की अर्निंग्स को आप कंपेयर करें तो सेम एजुकेशन लेवल पे मेल और फीमेल्स की अर्निंग की स्प्रेड अराउंड एवरेज, वो जो आपकी रिग्रेशन लाइन है उसके अराउंड सेम रहे, तो इसका मतलब ये है कि देर इज होमोस्कडास्टिसिटी। अब इसको हम थोड़ी एक दो एग्जाम्पल से समझने की कोशिश करते हैं और उसके बाद हम देखेंगे कि हमें क्यों हेट्रोस्कडास्टिक करेक्टेड स्टैंडर्ड एरर्स यूज करने हैं, और इसी की फिर अगली वीडियो में हम देखेंगे इम्प्लीकेशंस फॉर गॉस मार्कोव थ्योरम। मैं आपको बताऊंगा उसमें गॉस मार्कोव थ्योरम जो है हमारे लिए बहुत ज्यादा यूजफुल नहीं है। तो आप देखिए, तो अगर आपके पास वेरियंसेस अनइक्वल हो तो आप स्टैंडर्ड एरर्स दो पॉपुलेशन से जो सैंपल लिया हुआ है, सैंपल वन सैंपल टू, तो उसका इस तरह से कैलकुलेट होता है। यूजुअली आप पूल्ड स्टैंडर्ड एरर कैलकुलेट करते हैं। जब आप ये करते हैं तो इस बिहाइंड दिस अजम्पशन ये होती है कि वेरियंसेस आर सेम, सो सिग्मा टी स्क्वायर सिग्मा एल स्क्वायर इज इक्वल टू सिग्मा एस स्क्वायर, मीन्स इक्वल, दिस इज इक्वल होमोस्कडास्टिक। इफ दिस इज नॉट इक्वल वी से हेट्रोस्कडास्टिक। लुक हियर, फॉर एनी गिवन वैल्यू ऑफ एक्स 15 20 25 और एनी एल्स स्प्रेड दिस राउंड रिग्रेशन लाइन इज मोर और लेस सेम, इट मीन्स वेरियंस ऑफ एक्स डज नॉट डिपेंड ऑन एक्स। लुक हियर, when you have class size 15 spread around regression line is like this, when you have class size 20 spread around regression line is more, that is there is more variation in test score, some students score low, some students score more, and there is more dispersion around this blue regression line when x is 20। जब क्लास साइज उससे बड़ा हो गया तो और ज्यादा स्प्रेड आ गई। अभी मैं आपको इसको इनकम अर्निंग एजुकेशन के साथ लिंक करके आपको नेक्स्ट स्लाइड में शो करता हूं व्हाट वी आर सेइंग हियर। तो आप यहां पे देखिए, तो जो लोग 5 ईयर 3 ईयर 2 ईयर्स एजुकेशन है तो उसकी स्प्रेड अराउंड रिग्रेशन लाइन ये वाली है, नीचे बहुत कम सी वैल्यू ऊपर है। जब आपकी 10 इयर्स एजुकेशन है तो ये रफली मिडल से पास करती है, दिस इज द स्प्रेड। सो आपकी स्प्रेड देखें तो ये 20 25 से ज्यादा ऊपर वैल्यूज नहीं जा रही। बट जब आप 16 इयर्स 17 इयर्स एजुकेशन में जाते हैं तो ये आप ब्लू लाइन आपकी रिग्रेशन है, तो आप देखिए स्प्रेड आपकी बहुत बढ़ गई है। इसी तरह से जब मोर इयर्स ऑफ एजुकेशन है तो स्प्रेड बहुत ज्यादा है। तो जो जो आपकी जो है वो एजुकेशन बढ़ेगी नेचुरली, कुछ पीएचडी जो है वो 50,000 पे भी होंगे, कुछ लोग जो है 50 लाख पे भी होंगे, बट एक मैट्रिक पास स्टूडेंट, एक आठवीं पास स्टूडेंट, एक छठी पास स्टूडेंट जो है, जो सिक्स्थ पास स्टूडेंट है, उसकी अर्निंग्स आप क्या होगी? ठीक है, जिसकी कहीं किसी ऑयल कंपनी में वो जो है रिग को साफ सुफ करता है तो उसको शायद 50,000 मिल जाता हो, ठीक है, अदरवाइज उसको जो है वो, तो बिजनेस के लिहाज से भी उसी तरह से है कि जो जितना स्किलफुल होगा तो इट वेरी आपकी अर्निंग जो है ईयर्स ऑफ एजुकेशन के लिहाज से जो है चेंज होगी। ये पाकिस्तान का डेटा है,
तो आप देखिए तो यहां पे ठीक है क्योंकि नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस बहुत अनइक्वल है, इसलिए आपको ये स्प्रेड नजर आएगी। अब देखिए डिग्री इन मेडिसिन में बहुत ज्यादा स्प्रेड है, कुछ एमबीबीएस डॉक्टर्स, कुछ स्पेशलिस्ट डॉक्टर्स जो है वो बहुत ज्यादा कमा लेते हैं, कुछ नॉर्मल सा सिर्फ सैलरी या उस तरह से लेते हैं। बट ये नहीं होगा कि आपके पास जो नर्सरी और केजी और अनपढ़ लोग हैं वो आपके पास यहां पे बहुत ज्यादा मिलियंस ऑफ रूपीज पर मंथ कमाते हों। सो इसलिए ये आप देखें कि जब आपकी डिग्री एजुकेशन बढ़ रही है तो स्प्रेड अराउंड रिग्रेशन लाइन जो कि ये हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे ऐसे मेयर हो रही है तो वो बढ़ रही है, और इसी तरह से मेल फीमेल, रेड इज फीमेल, ब्लू इज मेल, तो स्प्रेड फॉर मेल इज मोर देन फीमेल, तो इस लिहाज से भी यहां पे हेट्रोस्कडास्टिक डेटा हो गया, होमोस्कडास्टिक ना हुआ। तो क्या हेट्रोस्कडास्टिसिटी है या होमोस्कडास्टिसिटी है, इस चीज को हमें देखने की जरूरत होती है। क्यों देखने की जरूरत होती है, तीन अजम्पशन हम देख चुके कि एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ यू गिवन एक्स इक्वल टू जीरो के एक्स में कोई इंफॉर्मेशन नहीं है जो यू को के मीन यू को प्रिडिक्ट करने में हेल्प करे, तो यू और एक्स इंडिपेंडेंट है, एक्स और वाई आईआईडी हैं, लार्ज आउटलायर्स अनलाइकली हैं, ये बातें हम कर चुके। आज हम एक और अजम्पशन ऐड करने जा रहे हैं, चौथी अजम्पशन कि आपके वेरियंसेस जो है रेजिजुअल्स के एरर्स के वो होमोस्कडास्टिक हैं, वेरियंस ऑफ यू गिवन एक्स इक्वल टू सिग्मा स्क्वायर। क्यों, उसके उसकी रीजंस हैं। अगर वेरियंस ऑफ यू सिग्मा स्क्वायर के इक्वल नहीं होगा तो आप जनरल फार्मूला ये है, अगर आपके पास जो है एक्स और यू का आपस में रिलेशन नहीं होगा तो वेरियंस जो है वो कांस्टेंट होगा, तो कांस्टेंट द वेरियंस होमोस्कडास्टिक द स्टैंडर्ड एरर्स, तो ओएलएस एस्टिमेटर्स अनबायस्ड होंगे, कंसिस्टेंट होंगे, नॉर्मल लार्ज सैंपल में नॉर्मल होंगे। अगर हेट्रोस्कडास्टिसिटी होगी तो ओएलएस एस्टिमेटर अनबायस्ड होगा बट ओएलएस एस्टिमेटर कंसिस्टेंट नहीं होगा, स्टैंडर्ड एरर्स ऑफ बीटा वन हैट जो है वो प्रॉपरली फॉर्मूला, क्योंकि इसी का स्क्वायर रूट जो है स्टैंडर्ड एरर्स में जाएगा, तो इसका मतलब ये है कि ये जो है वो वेरियंस ऑफ बीटा वन फॉर गिवन वैल्यूज फॉर डिफरेंट वैल्यूज ऑफ एक्स जो है डिफरेंट हो सकता है। तो बेसिकली और एक और चीज पहले भी बताई कि सिग्मा स्क्वायर एक्स लार्ज होगा तो इट मीन्स एक्स में वाई के लिए मोर इन्फॉर्मेशन है, ये पहले बात हो चुकी। तो ये है होमोस्कडास्टिक फार्मूला, बट अगर डेटा में हेट्रोस्कडास्टिसिटी हुई तो मैंने जैसे कहा कि ओएलएस एस्टिमेटर कंसिस्टेंट नहीं रहेगा, स्टैंडर्ड एरर ऑफ बीटा वन हैट वेरी कर देंगे एक्स के लिहाज से, तो व्हाट टू डू विद दैट, तो दैट्स व्हाट वी नीड टू टेक केयर। तो उसके लिए हमें करना क्या है, देखिए आपको स्टैंडर्ड एरर की वजह से क्या हो रहा है, स्टैंडर्ड वेरियंस ऑफ रेजिजुअल्स कांस्टेंट ना होने की वजह से क्या हो रहा है, हेट्रोस्कडास्टिक स्टैंडर्ड एरर्स मिलेंगे। जो आपका स्टैंडर्ड एरर ऑफ बीटा वन हैट है जो कि डिनोमिनेटर में होता है, जब हम टी स्टैटिस्टिक्स कैलकुलेट करते हैं तो टी स्टैटिस्टिक्स रॉन्ग हो जाएगी, जिसका मतलब ये हो गया कि आपके पास जो है वो टाइप वन एरर या टाइप टू एरर के चांसेस बढ़ जाएंगे। तो इसलिए आपको मैंने वो जो दूसरी एक वीडियो रेफर की थी कि हेट्रोस्कडास्टिसिटी करेक्टेड स्टैंडर्ड एरर्स विद ए सिंगल क्लिक, तो आपके पास होमोस्कडास्टिसिटी हो डेटा में या हेट्रोस्कडास्टिसिटी हो, हमने क्या करना है, हमने हमेशा हेट्रोस्कडास्टिक करेक्टेड स्टैंडर्ड एरर्स यूज करने हैं। उसमें इसमें अगर स्टेटा में करेंगे तो रोबस्ट का वर्ड यूज कर देते हैं, आर में करेंगे तो वहां पे भी इसी तरह से है, एसपीएसएस ईवीओस हर जगह पे आपको करेक्टेड हेट्रोस्कडास्टिक करेक्टेड स्टैंडर्ड एरर्स मिल जाएंगे। उसका मेन एडवांटेज मैं आपको बताता हूं इन अ शॉर्ट वाइल। तो आप देखिए तो प्रैक्टिकल इंप्लीकेशंस क्या हैं कि आपके पास जो है वो बीटा वन हैट जो है वो नॉर्मल रहेगा अगर एरर्स होमोस्कडास्टिक हैं, बीटा वन हैट जो है वो कंसिस्टेंट एस्टिमेटर रहेगा, मींस कि उसका वेरियंस लार्ज सैंपल में पॉपुलेशन वेरियंस के इक्वल की तरफ चला जाएगा अगर होमोस्कडास्टिसिटी है, अगर हेट्रोस्कडास्टिसिटी हुई तो वो जो है वो आपके पास कंसिस्टेंट नहीं होगा। तो बेसिकली और टी स्टैटिस्टिक्स मैंने कहा कि आपके पास जो है वो स्टैंडर्ड फॉर्मेट में नहीं रहेगी, तो उससे आपकी इम्प्लीकेशंस आ जाएंगी। देन कम्स तो ये आपके पास रोबस्ट का वर्ड यूज हो गया हो रहा है, ये मैं वर्कशॉप में आपको दिखाऊंगा कि रोबस्ट स्टैंडर्ड एरर्स हमें क्या कैसे कैसे फाइंड आउट करने हैं। तो बॉटम लाइन क्या है
कि अगर आपके पास जो है ना आप ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, बहुत ही अहम बात मैं करने जा रहा हूं। अभी हमने देख लिया कि मोस्ट ऑफ सोशल साइंसेस डेटा, इकोनॉमिक्स में डेटा जो है वो यूजुअली होमोस्कडास्टिक नहीं होता। यू एरर्स आपके होमोस्कडास्टिक नहीं होंगे इन प्रैक्टिस। उससे फर्क किस पे पड़ता है? स्टैंडर्ड एरर्स पे। उन स्टैंडर्ड एरर्स की करेक्शन कैसे हो जाती है? वो हमारी हर सॉफ्टवेयर में बिल्ट इन है। हेट्रोस्कोडास्टिक करेक्टेड स्टैंडर्ड एरर्स, हेट्रोस्कोडास्टिक रोबस्ट स्टैंडर्ड एरर्स। हमने क्या करना है? हमने उस ऑप्शन को हमेशा यूटिलाइज कर लेना है। अगर एरर्स होमोस्कोडास्टिक हुए तो करेक्शन नहीं होगी, अगर हेट्रोस्कोडास्टिक स्टैंडर्ड एरर्स हुए तो करेक्शन हो जाएगी, तो हमारा प्रॉब्लम जो है वो रिजॉल्व हो जाएगा। तो ये जब आप कर लेंगे तो आपके रिजल्ट्स जो है वो उनकी जो रिजेक्शन एक्सेप्टेंस है वो बेसिकली कोई हमें इश्यू कॉज नहीं करेगी। तो दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। अभी हमने देखा कि हेट्रोस्कडास्टिसिटी क्या है और उसकी इम्प्लीकेशंस क्या हैं। इससे आगे हमारी एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज जो है जिसको मैं नेक्स्ट वीडियो में लेके जा रहा हूं, वीडियो नंबर 12 में, दैट इज गॉस मार्कोव थ्योरम। लेकिन मैं आपको बताऊं कि गॉस मार्कोव थ्योरम हैज वेरी वेरी लिमिटेड एप्लीकेशन। तो प्लीज कीप ऑन वॉचिंग। थैंक यू, थैंक यू, टेक केयर।